अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू कुछ अलग है। सही कहा जाए तो तमाम चुनावों का असर मुसलमानों को होगा, क्योंकि बदकिस्मती से भारत की सियासत मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमती रहती है। वैसे कुछ घंटे बचे हैं नतीजे आने में और सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान ही नज़र आ रहे हैं। आज कई सारे फ़ोन मुझे आए, होटलों में, सलून में, कट्टों पर, यहाँ तक मस्जिदों में भी। कल क्या होगा, किसकी हुकूमत आएगी, अगर भाजपा एनडीए आती है तो मुसलमानों क्या क्या, इस तरह की चर्चा देखी जा रही थी। एग्जिट पोल तो सरकारी है और सरकार के हक में फैसला सुनाना या दिखाना इनकी मजबूरी है, पर इन एग्जिट पोल को ही कुछ लोग हकीकत समझकर परेशान हुए नजर आ रहे हैं। मैंने तो मेरी जिंदगी में ही इस चुनाव में सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशान देखा। जब इंसान का ईमान घटने लगता है तो फिर दुनिया में परेशान हो जाता है। हमारे लिए तो हमारा परवरदिगार ही काफी है। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। खैर, एग्जिट पोल, सी वोटर्स, एक्सिस माई इंडिया, टुडे, चाणक्य, जन की बात वगैरह कुछ एजेंसियां हैं जो दावा करती है कि आवाम से पूछताछ करके कुछ फोन के जरिए उनकी राय लेते हैं वगैरह। अब किन लोगों से ये लोग मिलते हैं, ये सवाल आज भी समझने वाले, क्योंकि आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि एग्जिट पोल वालों ने फोन किया या किसी ने मिलकर उनसे बात की होगी। जितने भी लोग हमारी न्यूज देख रहे होंगे, कोई एक तो बताए कि इन्हें एग्जिट पोल वालों ने फोन किया था या आकर इनकी राय पूछी गई थी। कहीं पर भी कोई नहीं मिलेगा, कोई पहचान वालों में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में आपको एक भी शख्स नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपके किसी और शहर में दोस्त अहबाब भी रहते हो, उन्हें भी किसी ने नहीं पूछा होगा। आखिर कैसे नतीजे निकाले जाते हैं, ये भी समझ से बाहर है। यकीनन कुछ नतीजे एग्जिट पोल के करीब करीब रहते हैं तो कुछ बिल्कुल मुखालिफ रहते हैं, तो कुछ सटीक भी रहते हैं। जैसे 2004 में भी देखा गया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत बनेगी और अक्सरियत के साथ बनेगी वगैरह, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने हुकूमत बनाई थी। खैर, हमें आज चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, कौन हुकूमत बनाएगा, इस पर ज्यादा बात न करते हुए असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ अलग है, हो सकता है कुछ लोगों को आज का मौजू अच्छा न भी लगे। दरअसल क्या हो रहा है कि जिस कौम को दुनिया में आखरत बनाने के लिए भेजा गया था, आज वो पूरी तरह से अपने मकसद ही को भूल चुकी है। तभी तो इसे चुनाव के नतीजे भी डराने लगे हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हमने कहा था कि क्या हुकूमत तब्दील होने से मुसलमानों के हालात बदले जाएंगे, मुसलमानों के मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूरह अल राद की आयत कहती है कि अल्लाह तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को न बदले। इसी आयत के पस मंजर में अल्लामा इकबाल का यह अशआर भी बहुत कुछ बोल जाता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मतलब ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर के मुसलमानों ने कसम खा ही ली है कि हम खुद तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हालात अपने आप बदलते रहे। आज जो मुसलमानों के चेहरों पर डर खौफ देखने को मिल रहा है, इसी का नतीजा कह सकते हैं। आज तकरीबन 10 फोन आए कि कल अगर नतीजे इस तरह के आते हैं तो क्या होगा। पिछले 70 सालों में सिवाय अख्तलाफात, जमातों का खेल तमाशा, सुन्नी तबलीगी यही तो करते आए, और जब हालात आ चुके हैं तो फिर दुश्मनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरह से हालात बदल जाए। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव के नतीजों को लेकर मिल्लत में इतनी बेचैनी कभी नहीं देखी गई। चुनाव से पहले भी कोशिशें काफ़ी रही, काफ़ी भागदौड़ मुस्लिम जमातों की जानिब से, मुस्लिम इदारों की जानिब से की गई। खैर, कल के नतीजों को लेकर मुसलमानों को गमजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को बदलने की जरूरत है। मुखालिफ हालात में सिर्फ ईमानी जज्बा ही हमारी हिफाजत कर सकता है। पिछले 70 सालों का जायजा लिया जाए तो कितनी सियासी पार्टियां आई और गईं। मुसलमानों की हिमायती बनकर कुछ पार्टियां आई तो कुछ सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़ कर आई। खामियाजा तो मुसलमानों को ही भगतना पड़ा है। सब कुछ गंवाने के बाद किस बात का अफसोस, और हमने मिल्लत की तामीर नौ करने की बजाय अपने घर, दौलत, अय्याशियों में मसरूफ रहे। गरीब और गरीब बनता गया, अमीर और अमीर बनता गया, गरीब अमीर के दरमियान फासले यूं ही बढ़ते गए। और वैसे आज भी मुसलमान सख्त हालात में भी ऐश परस्ती की जिंदगी जीने से बाज कहां आ रहा है, इसे क्या फर्क पड़ने वाला है। ईमान का सौदा करना तो इसके लिए अब बहुत आसान हो चुका है, और देख सकते हैं कि किस तरह मुनाफिकत की खेती लहलहा रही है। तभी तो मुशरिकों के कदमों में जाकर झुकना इसे गलत कहां लगता है। भाजपा 350 या इंडिया गठबंधन जीते, हालात बहुत कुछ तब्दील होने वाले नहीं है। हाँ, भाजपा एनडीए बड़ी जीत हासिल करती है तो यकीनन
ईमान पर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 7 मरहलों के चुनाव में खुद वजीर आजम मोदी मुसलमानों को निशाना बनाते हुए देखा गया। कॉमन सिविल कोड या NRC जैसे मुद्दे जानबूझकर लाए जा सकते हैं। हकीकत में कहा जाए तो मुसलमानों की सही से तरबियत नहीं हुई और यह सच्चाई है, भले से कोई माने या ना माने। पिछले 70 सालों में हमने हमारी तरबियत के बजाय आपसे अख्तलाफात में रहे। खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु या आले यासिर या मुशकिन मक्का के दौर से उम्मत को आशना नहीं कराया गया और यह सच्चाई है। इन्हें मसलकों के झगड़ों में उलझा कर रखा गया अपनी दुकानों को चलाने के लिए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की कहानी देखने के बाद मौजूदा दौर के मुसलमानों का मुआसना करने से मालूम होता है कि उस दौर में भी मुनाफिक थे, खुद रिश्तेदार दुश्मन बने हुए थे। आलिशान महल तो नूरुद्दीन जंगी का भी था, लेकिन क्या यह महल आराम करने के लिए था? क्योंकि शायद ही कभी कभार सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी महल में तशरीफ लाते। इनकी जिंदगी तो घोड़े के पीठ पर जंग के मैदान में ही गुजरती रहती, और सबसे अहम उस वक्त कौन सी जमात थी जो आज हम लड़ रहे हैं कि फला जन्नती है, फला दोस्ती है, फला बिदती है, फला गुमराह है। कौन सी जमात थी उस वक्त, कौन सा फिरका, कौन सा मसलक था? आज शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आखिर इस मौजू पर बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन जरूरत है, क्योंकि सिर्फ चुनाव के नतीजों का डर मुसलमानों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है और यह गैर मामूली नहीं है। बातिल ताकतों का डर तुम्हारे ईमान को इम्तिहान में डाल सकता है। यकीनन 2 नस्लों को हमने दुनिया परस्ती तालीम याफ्ता बनाने में मसल के अख्तलाफात जमातों के साथ दुनिया परस्ती की नजर किया, जिसमें नस्ल बर्बाद हो गई। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मुसलमानों को दोष देने से क्या फायदा, इसका हल क्या हो सकता है? यकीनन हर मसले का हल है। मुसलमानों की मौजूदा हालात को भी फिर से दुरुस्त किया जा सकता है। अपना घर, गली मोहल्ला, यंग कमेटी, जमाते इदारे, तंजीमें खुलूस के साथ असल मकसद की तरफ पलटे तमाम दायरों से निकल कर कलमे तैयबा की रस्सी को थाम ले, हो सकता है। काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खासकर बात कहते हुए बड़ी है, लेकिन उलमाओं का किरदार इसमें अहम है। जो निभा नहीं रहे ये भी सच्चाई है, भले इस बात पर कई सारों को एतराज हो सकता है। एक बार फिर कहता हूं कि मस्जिदों को मरकज बनाया जाए, नमाजों के बाद ताले लगाना छोड़ दिए, मोहल्ले के मसले मस्जिदों में हल करने की कोशिश करें। वक्त बहुत कम है और बहुत नजदीक भी है। डरना हमारा सेवा नहीं है। आज जो खौफ हमारे दरमियान देखने को मिल रहा है, ये हमारी सही तरबियत न होने का असर है। असल रुख पर मेहनत नहीं हुई, हालात का तस्करा नहीं किया गया। जाहिर है जो नौजवान नस्ल देख रही है उसे ही सब कुछ समझ रही है। आज टीपू सुल्तान और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की तारीख से नाशना किया तो सलमान खान शाहरुख खान की तरह बन गए। इस्लाम, दीन, अल्लाह रसूल की तालीमात कब के पीछे छूट गई। फिर से माजी की राहों में पलटने से हालात बदल सकते हैं। डर खौफ के बादल छटकर फिर से नई रोशनी, नई शुआएं हमारे दरमियान से ही निकल सकती है। जरूरत है उम्मत के नौजवानों को हकीकत से आगाह करने की। सियासी लीडरों के दरवाजे पर अपना हुनर, अपनी गैरत को दांव पर लगाने के सबक हमने ही तो सिखाए। आज वहां से पलट कर आना मुश्किल जरूर है, पर फिर से एक बार कहता हूं कि नामुमकिन नहीं है। नतीजों को लेकर किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिक्र जरूर होनी चाहिए और उस फिक्र को जहनचीन करके आगे की मनसूबाबंदी की तरफ गामजन भी होना मोमिन की फिरासत कह सकते हैं। कल NDA या इंडिया गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक अच्छी हुकूमत की कोशिश जरूर हुई है। संविधान को बचाने की जद्दोजहद मुसलमानों के साथ दिगर तबके के लोगों ने भी किया है। यकीनन फर्क ज्यादातर मुसलमानों को पड़ता है, लेकिन जिसका हामी व मददगार अल्लाह हो उसे किसी तरह खौफ रखने की जरूरत नहीं, यह भी उतना ही सही है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।